हम लोग का बंगाल में कुछ नहीं होता, थोड़ा मोरा झगड़ा सब जगह होता। अभी बता दे रिजल्ट, बता दे कुछ नहीं फिगर में नहीं जाएगा बीजेपी, 3 फिगर में नहीं जाएगा। बोलिए कागज कलम लिख जाइए, 2 तारीख के बाद मुलाकात कीजिएगा। लेकिन सुनिए, लालू प्रसाद का बेटा बिहार में जीता हुआ था, बिहार में पूरा एकदम तक 90% था। मोदी सरकार ने क्या किया मालूम है? वो कंप्यूटर से चाल खेल के तक नीतीश कुमार को बैठा दिया। लगता है आपको ऐसे हिंदू मुसलमान होता कोई ऐसा कोई बात? ये सब नेता लोग का वजह से हिंदू मुस्लिम होता है, नेता लोग का वजह से हिंदू मुस्लिम। मुसलमान भाई मेरा क्या बिगाड़ा? हाथ जोड़ के बोलेंगे उनको वहीं पर बैठिए और बॉर्डर संभालिए। आप बॉर्डर संभालिए, ममता दीदी कलकत्ता बंगाल संभाल लेगा। लेकिन दादा, अभी दादा ने बोला कि वहाँ पर बैठ के सारा बेच रहे हैं, सिर्फ बॉर्डर ही संभालेंगे, सारा बेच देंगे, फिर भी तो दिक्कत आएगी ना बाद में? कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो फिर हम लोग जिसका जिसका दिमाग में ढुकता नहीं है, तब समझ में आएगा कि बीजेपी क्या है। अच्छा, मोदी सरकार देखिए, टोटल चीज को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, टोटल चीज। आप रेल बोलिए, एयर इंडिया बोलिए, कूल बोलिए, सारा चीज तो प्राइवेटाइजेशन, सब चीज बैंक भी चला गया, LIC तक को 10% नहीं दिया, सारा चीज तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा। क्या चीज कर रहा है मोदी सरकार? क्या चीज किया है? वो सिर्फ जुमलाबाद सरकार है, कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ बंगाल ठीक है, शांति से सब मिलजुल के रहता है, बंगाल में कोई प्रॉब्लम नहीं। भावताबाजी देखे कितना दिन चलेगा दादा? नहीं चलता, दीदी दीदी रहेगा, दीदी का अगल बगल कोई नहीं। यहाँ हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चल पाएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई भाई भाई मिलकर रहता है। जय बांग्ला, एक ही बात बोल दिया, जय बांग्ला। सुन लीजिए दादा, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या बोलेंगे, क्या मतलब की माहौल क्या है? माहौल यहाँ का बहुत अच्छा है, अपना बंगाल का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ दीदी रहेगी तो रहेगी, 10 साल से उनसे उबे नहीं है क्या? दिल्ली में मैं दीदी तो ठीक है, दीदी 10 साल से उनके 10 साल से वो आप लोग वोटर्स नहीं उबे हैं, लेकिन उनके जो नेता है वो उब गए हैं, वो उनसे छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। नेता लोग का ना रुपये से बिक गया लोग। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है? नेता आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिंबल दीदी का फोटो, दीदी का तरफ से नेता को रुपया पैसा नहीं मिला होगा इसीलिए वो निकल गया। लेकिन दीदी तो हम लोग का ठीक है, तो कहाँ कोई प्रॉब्लम है? सरकार दीदी से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दीदी तो अच्छा है। हम लोग जब से दीदी आया तब से कितना माहौल शांत है, आपको पता है? बहुत अच्छा सब मिला हुआ है यहाँ पे। अब दिलीप घोष का देखते हैं ना, कमेंट देखते हैं दिलीप घोष का, कभी कोई अच्छा कमेंट दिया हो सिवाय झगड़ा का, दंगा लगाने का, जात पात का, कभी अच्छा दिया अभियान कि हम जीतने के बाद ऐसा शांति करेंगे? लेकिन दादा, वो जो बीजेपी सरकार है वहाँ पर यूपी में योगी जी आते, यहाँ पर आते हैं, कहते हैं यहाँ पर दंगा फसाद ज्यादा कराते हैं ममता बनर्जी हिंदू, वो कहते हैं हिंदू मुसलमान में लड़ाई होती है ज्यादा, तो दंगा फसाद यूपी में हो रहा है। दंगा फसाद कहाँ नहीं हो रहा, बोलियो तो सब जगह हो रहा। नेता लोग क्या सबका गुंडा लोग के पास में जा के बोलेगा क्या? वैसा तो कुछ नहीं, दिमाग खराब होता है, सब दंगा फसाद होता है, उससे कोई फर्क नहीं, सब जगह दंगा फसाद होता है। अच्छा, लेकिन हम लोग का बंगाल में कहाँ हुआ? लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि बंगाल में ठीक नहीं चल रहा है, तो उधर रहते हैं, उसको क्या मालूम, उसको कुछ पता है क्या? आप लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हम लोग क्या कहते हैं यूपी के बारे, हम लोग को क्या मालूम कुछ? अच्छा, वो प्रचार करने तो आते हैं यहाँ पर, जिसे हैं बाकी राज्य के मुख्यमंत्री वगैरह भी आते हैं प्रचार करने, तो यहाँ के वोटर्स पर फर्क पड़ता है इसका? जैसे अभी आप कह रहे हैं कि वो बाहर के हैं, हमसे क्या लेना देना, लेकिन जब चुनाव वोट प्रचार करने आते हैं तो भीड़ तो काफी इकट्ठा होती है, सुनने को तो जाते हैं। भीड़ इकट्ठा इसलिए होता है कि आपको वो लोग अपना समेत भीड़ भी लेकर के आता है। अच्छा है, तो बाहर का भीड़ में रैली में हम लोग देखा, झारखंड बिहार जितने बॉर्डर से लगे हुए वहाँ से आदमी हम लोग देखा अपना आँख से, बिहार असम सब भाड़ा के लोग हैं, असम ठीक बोले असम। आपको लगता है कि बीजेपी जो रैली जो कर किए थे तो यहाँ के लोग वहाँ पर नहीं गए थे? नहीं नहीं, सब बाहरी लोग हैं। अच्छा, सब झारखंड और थोड़ा मोरा होंगे, सब जगह तो होता है। अच्छा, लेकिन बाहर से आए थे, बाहर से तो आते ही है, गाड़ी में करके तो आते ही है। वोट तो बाहर वाले करेंगे नहीं, वोट तो यहाँ वाले करेंगे, तो हम लोग का माइंड चेंज करने वाला है ना, वो लोग करने मांग रहा। अच्छा, तो हम लोग चाहते हैं कि देखें भीड़ कितनी भीड़ है, इसलिए वो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से अलग हो जाए। हम लोग खुश है, हम लोग बंगाल का जितना यंग है, हम लोग को नौकरी नहीं है, मगर कुछ भी करके हम लोग खा लेते हैं, कुछ भी करके, आपका हेल्प करके भी हमको 100 रुपये मिल जाता है, कुछ भी करके हमको अपना रोजी रोटी चल जाता है। अच्छा, हमें चोरी छमारी नहीं करना पड़ता, यहाँ कोई लूट मार चोरी छमारी है ही नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी आपके सामने कोई मोटरसाइकिल वाला आए, इतना जाम आप देखे तो रोड में, किसी के साथ किसी का धक्का लग जाए वो भी भाईचारे के साथ, दादा सॉरी दादा। हम लोग अपना मान लेते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, बेकारी है यहाँ, मगर कोई बेकार ये नहीं कह सकता हमारा घर में आज खाना नहीं है, हम लोग डेली मुर्गा खा रहे हैं,
खस्सी खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, सबाई खुश है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। मगर दीदी हम लोग को सब आजादी दिया है, कुछ भी बात बोलूं मैं आपको, हम लोग का जो कलकत्ता का जो बस है, देख रहे सुनिए, हम लोग का जो कलकत्ता का बस है उसमें यदि कोई मर्द बैठा हुआ होता है, लेडीज आने से वो उठ जाता है, वो स्लिप कलकत्ता में ही और कहीं भी नहीं है। 10 रुपया में हम यहाँ से 30 किलोमीटर चल सकते हैं, 30 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 10 रुपए किराया। लेडीज का और क्या रिस्पेक्ट, लेडीज का रिस्पेक्ट सिर्फ बंगाल में ही होता है और कहीं नहीं, और कहीं नहीं है, जाके देखिए कहीं भी नहीं है। जो बैठा बैठा है, जो बैठा हुआ है बैठा हुआ, हम लोग का बंगाल में यदि बस में मर्द बैठा हुआ है लेडीज उठने से हम लोग मर्द लोग उठ जाते हैं, लेडीज को पहले सम्मान देते हैं। वो कोई भी जात हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, ये यहाँ का कल्चर है। आप 20 रुपया में जाइए ना कुछ होटल में, आराम से दाल भात सब्जी अंडा खूब खा सकते हैं। आप भुजिया निरामिष खाते तो निरामिष खाइए, आज मटन खाते तो मटन खाइए, 20-30 रुपया में पेट भर जाता है। 5 रुपया में खाना खिला रही है आपको, पता है 5 रुपया में आपको दाल चावल अंडा का साथ, जाइए कहीं भी जाइए, आपको कॉर्पोरेशन में जाइए, दिल्ली में दिल्ली के लिए ना, मोदी जी दिल्ली में जो है ना, मोदी जी दिल्ली में ही रहे हो ठीक है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि दिल्ली में तो आप कह रहे हैं कि ठीक रहेंगे, तो वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली में तो ठीक हैं, लेकिन वो कह रहे हैं अगर हमारे राज्य में भी सरकार आ जाएगी तो विकास तेजी से होगा, क्योंकि क्योंकि क्यों कहाँ विकास में एक मिनट रुकिए, वो कह रहे हैं कि यहाँ से जो विकास जाता है या कुछ पैसे हम फंड करते हैं वहाँ ममता बनर्जी मतलब खा जाती हैं। क्या खा जाती है, जो भी वहाँ पर फंड वगैरह जाता है वो ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार दूसरे की होती है। कितना बार तो इसका आगे बार में तो ममता दीदी को 1 रुपया भी नहीं दिया, तो यो 20 लाख बोलकर दिया नहीं, तो क्या हम लोग का जो बंगाल है ममता दीदी चलाया नहीं, चलाया तो अच्छे से तो चलाया। मोदी सरकार देखिए टोटल चीज़ को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, टोटल चीज़, आप रेल बोलिए, एयर इंडिया बोलिए, कूल बोलिए, सारा चीज़ तो प्राइवेटाइजेशन, सब चीज़ बैंक भी जा रहा, आज क्या बैंक भी चला गया, LIC तक को 10% नहीं दिया, सारा चीज़ तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा, क्या चीज़ कर रहा है बोलिए, तो मोदी सरकार क्या चीज़ किया है, वो सिर्फ जुमलाबाद सरकार है, कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ बंगाल ठीक है, शांति से सब मिलजुल के रहता है, बंगाल में कोई प्रॉब्लम नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि प्राइवेट होने से तेजी से विकास होगा, क्योंकि सरकारी जो लोग होते हैं वो काम नहीं करना चाहते। क्या विकास हो रहा है बताइए, क्या क्या हुआ बताइए, कौन सा सेक्टर में मोदी क्या काम किया आज की डेट में बताइए ना, कौन सा बड़ा काम करके देखा है मोदी जी बताइए, 7 साल तो हो गया। लेकिन दादा आप ही तो कह रहे हैं कि वहाँ पर केंद्र में वो ठीक है, कौन बता ठीक है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है, बॉर्डर को संभाले, बॉर्डर को संभाले वो बहुत अच्छा है, मतलब ऊपर करें ना करें आप लोगों को नहीं फर्क पड़ता। यहाँ पर मैं बोलूंगा कि मोदी जी अब वहाँ बैठ के बॉर्डर संभालिए, इसलिए कि कांग्रेस से बॉर्डर नहीं संभलता था, ठीक है, मोदी जी से ठीक बॉर्डर संभल रहा, हम हाथ जोड़ के बोलेंगे उनको वहीं पर बैठिए और बॉर्डर संभालिए, आप बॉर्डर संभालिए, ममता दीदी कलकत्ता बंगाल संभाल लेगा। लेकिन दादा अभी दादा ने बोला कि वहाँ पर बैठ के सारा बेच रहे हैं, सिर्फ बॉर्डर ही संभालेंगे सारा बेच देंगे, फिर भी तो दिक्कत आएगी ना बाद में, कुछ दिक्कत नहीं आया तो फिर हम लोग जिसका जिसका दिमाग में ढुकता नहीं है तब समझ में आएगा कि बीजेपी क्या है। अच्छा, आपको लगता है एक बार बर्बाद हो जाएगा फिर सबको समझ में आएगा, बर्बाद हो गया भाई, अभी 2-2.5 महीने से किसान बैठा हुआ है ना, मोदी जी बस टाइम नहीं उनसे लगा, यहाँ को देखा 20 बार आएंगे वो, लेकिन उनको वक्त नहीं मिल रहा कि किसान का दर्द क्या है, लेकिन वो तो कह रहे हैं वो किसान ही नहीं है तो कहाँ क्यों जाएंगे, वो कह रहे हैं किसान खेतों में, हमको बाद में बोलेंगे हम बंगाली नहीं है ये मतलब वो अपने उसमें आतंकवादी भी था, जा करके हम लोग का यो माथा का ऊपर में चढ़ गया था, वो हम लोग का बेइज्जती हुआ, माने गवर्नमेंट के खिलाफ अगर बात किया जाए, लाल किला पे जो चढ़ गया था वो पोलिंग एजेंट है, इसका सही देवल का पोलिंग एजेंट है, इलेक्शन एजेंट था। सुनिए, आज पाकिस्तान भी मान लिया जो भारत के साथ में हमको मिल के रहना जरूरी है, आज पाकिस्तान भी मान लिया कि भारत एक ऐसा देश है, वो उधर में सही है, हम लोग सब सही है, हम लोग किसी से किसी को सबका निचोड़ एक ही है, बंगाल में उन लोग को आने नहीं देंगे। अच्छा दादा एक बात और ये बताइए, यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम अच्छे खासे रेशियो में हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर मिलजुल के रहते हैं क्या, कैसे कभी? बहुत अच्छा रिलेशन, बहुत अच्छा है, देखिए हम मुसलमान, आप हिंदू है ना? हम हिंदू है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कैलाश शाह, और सुन लीजिए, ईद में हम जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए रेड रोड में, अपना अपना दोस्त का संग में, क्या हुआ हम पढ़ते हैं तो क्या हुआ, हम क्या
कोई मुसलमान मंदिर में गया तो मुसलमान जात पाती घर का अंदर बाहर में सब हम लोग एक है यही ठीक है। बंगाल में ये कॉम्युनल चीज नहीं चलेगा, निकलते हैं सब दोस्त हैं, सब दोस्त हैं। देखिए अभी देखिए बाहर वाला नहीं, यही देख लीजिए जात पंथी हम सब जात करेंगे, यही देख लीजिए सबका कमेंट एक ही है ममता बनर्जी। लेट्स ऑल क्लियर, देखिए अब यही पर देख लीजिए ठीक है, इससे आगे कोई बात है? हम लोग मेन बात है, हम लोग जल्दी से रह रहे हैं, हम लोग को कोई रुकावट नहीं है, कोई तरह का कोई पाबंदी नहीं है, हम लोग खुलेआम निकल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अरे एक आदमी से रास्ता पूछो ना तो 10 आदमी बताएगा, उदी ये जानता था, उदी के जान सर दिनी में, इससे अच्छा और क्या चाहिए सर? हिंदू मुसलमान होता कोई ऐसा कोई बात, ये सब नेता लोग का वजह से हिंदू मुस्लिम होता है, नेता लोग का वजह से हिंदू मुस्लिम। मुसलमान भाई मेरा क्या बिगाड़ा? मुसलमान भाई को हिंदू भाई मारेगा तो मुसलमान भाई भी मारेगा, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम भाई का आँख का सामने कुछ किसी का भी जो प्रॉब्लम होने से वो लोग हेल्प करता है, और हिंदू भाई का पास में कुछ भी मुस्लिम भाई को बहन को कोई प्रॉब्लम होता है हम लोग भी हेल्प करते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया, आग लग गया तो यहाँ कोई हम लोग भगे तोड़ जाएंगे सब, सबका जो रहता सब हम लोग उसमें जो आ जाते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया कुछ नहीं होता यहाँ पर, यहाँ पर कोई जगह नहीं है। अच्छा बस ये डेढ़ सौ एक निचोड़ है कम्युनल, यहाँ पर बीजेपी का कोई हिसाब ही नहीं सर। वो जो दिल्ली में, दिल्ली की बात बता रहे हैं, दिल्ली में रास्ता पूछते हैं ना, ये कोई बिहार का आदमी चला जाए कलकत्ता का आदमी चले जाए तो उसके क्या है? रास्ता थोड़ी सी दिल्ली में रास्ता पूछता है जो हम जाने भाई भला भैया के अभी जाने फलने जगह में तो क्या बोलते हैं? चल तू भाग जा। मगर कलकत्ते में हिंदू मुसलमान से पूछा जाता है तो उसको रास्ता बता दिया जाता है। यह ममता बनर्जी जो है ना हिंदू मुसलमान में बहुत अच्छे चल रहा है। मोदी सरकार ने सुनिए, लालू प्रसाद का बेटा बिहार में जीता हुआ था, बिहार में पूरा एकदम तक 90% था, वो ममता बनर्जी मोदी सरकार, मोदी सरकार ने क्या किया मालूम है? वो कंप्यूटर से चाल खेल के तक नीतीश कुमार को बैठा दिया। लगता है आपको ऐसे? कंप्यूटर का क्या पढ़ाई है जो वो कंप्यूटर से, सुनिए कमिश्नर, वोट कमिश्नर को जो बक्सा गिनती होता है, वोट कमिश्नर को जो है ना 1,00,000 रुपए मेरा महीना है और 1 करोड़ 10 करोड़ में खरीद ले रहा है। अरे सब काम तो अगर 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 यहाँ भी ऐसे ही होगा दादा तो आप क्या करेंगे फिर? मान लो बिहार में जैसे अभी दादा ने बेटा जीता हुआ था बिहार से, मगर वोट कमिश्नर को 10 करोड़ में खरीद लिया, मेरा महीना 1,00,000 है मगर हमको 10 करोड़ मिल गया, हम वोट को गिनती करा दिया, कम बेस कर दिए, मतलब जिता दी। अच्छा तो यहाँ पर अगर ऐसा हो जाएगा तो आप लोग फिर क्या करेंगे? यहाँ तो हमारे हिंदू मुसलमान, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है, सब नेता का वजह से लफड़ाबाजी होता है। मेरा बात सुन लीजिए, हम लोग का बंगाल में कुछ नहीं होता, थोड़ा मोड़ा झगड़ा सब जगह होता है। बता दे रिजल्ट, बता दे कुछ नहीं होगा, फिगर में नहीं जाएगा बीजेपी, 3 फिगर में नहीं जाएगा। बोलिए कागज कलम लिख जाइए, 2 तारीख के बाद मुलाकात कीजिएगा। लेकिन दादा कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़ाई में है, मेरा सवाल ये है कि अभी इसके पहले 3 सीट सिर्फ जीती थी बीजेपी, इस बार ऐसा क्या हो गया कि वो लड़ाई में आ गए? कांग्रेस वाम ये सब बिल्कुल बाहर जा रहे हैं, क्यों सब बाहर जा रहे हैं? इसलिए कि थोड़ा सा हम लोग का जो कार्यकर्ता है ना, कार्यकर्ता का वजह से दीदी कोई गंडोगोल नहीं करता, कभी कभी उसका कार्यकर्ता का थोड़ा पावर मिल जाता है इसलिए थोड़ा लफड़ा हो जाता है, इसी वास्ते दीदी थोड़ा बदनाम है। ये तो दीदी बदनाम है नहीं, उनका कार्यकर्ता थोड़ा जो है वो लफड़ाबाजी कर लेता है इसीलिए हम लोग का बदनाम हो जाते हैं। दादा आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे बोलिए आप, क्या चल रहा है यहाँ पर, जो चल रहा है माहौल चल रहा है? पहला बात हमको एक टॉक आपको बोलने का दरकार है, आदमी लोग बीजेपी बोल रहा टीएमसी पार्टी का सब चोर है, सुनाई दे रहा आपको? तो अभी तुम लोग इतना सोती पार्टी, इतना सोती पार्टी हो के ये चोर लोग को ले जाके अपना सीट काहे दे रहा है? सब तो चोर है, बीजेपी तो ओरिजिनल आदमी है, बीजेपी बोल रहा हम लोग का तरफ बाबा सत्यनारायण का बेटा कोई नहीं है, हम लोग चोरी नहीं करता, हम लोग कमीशन नहीं खाता, तो चोर लोग को ले जाके काहे सीट दे रहा है? आज जिला जिला में काहे गंडोगोल हो रहा, अपना पार्टी ऑफिस तोड़ भांग हो रहा, सब कुछ हो रहा, कोई बुढ़ा आदमी रविंद्रनाथ घोष 4 साल से जीता हुआ उसको जोर जबरदस्ती घर में 5 घंटा अटक कर रख दिया, काहे ना तुमको बीजेपी में ज्वाइन करना पड़ेगा? ये सब कहाँ का निकल? तो आपको ऐसा क्यों लगे जैसे यहाँ के ये टीएमसी के नेता हैं वो छोड़ के क्यों जा रहे हैं, उनकी गलती है या ममता बनर्जी की वजह से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? आपका बुद्धि में क्या बोलता, पैसा ऐसा चीज है खुदा से 19-20 खरीदे जा रहे हैं, पैसा ऐसा चीज है खुदा से 19-20 है आदमी को पैसा, शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी के कितना करोड़ में खरीदा है, काहे गया वो लोग वहाँ पर, काहे गया हुआ पड़ी, पहले ये बात बताइए, आपको जवाब दीजिए मेरे को। इतना आदमी रहते कि नहीं ना, मुकुल एक बड़ा चोर है,
वो अभी ईडी का बदल से सीबीआई का बदला तो चल गया वहाँ पर जाके, काहे तुम लोग को उसको स्थान दिया है? तुम लोग तो बोल रहे हम लोग इतना अच्छा पार्टी है, हम लोग सब कुछ करता है देश के लिए, हम लोग इतना सोचता है, तो चोर लोग को लेके काहे जा रहा है? मोदी जी कह रहे हैं तो हम तो 18-18 घंटे काम आज का डेट में, अभी आज का डेट में 27 से इलेक्शन है, आज का डेट में चोरोंगी विधानसभा में कोई कैंडिडेट नहीं है बीजेपी का, काहे नयना बंदोपाध्याय का अगेंस्ट में कोई कैंडिडेट अभी तक खड़ा नहीं किया, शिखा मित्र को बोला, शिखा मित्र मुंह को पर बोल दिया, शिखा मित्र तो करें कि मैं नहीं लड़ूंगा, बोल ही तो दिया हम काहे जाएंगे। हाँ, मेरा मेरा हस्बैंड कांग्रेस का पूरा वेस्ट बंगाल का ये था, सभापति था, हम वो सोचा कैसे बीजेपी के हम वहाँ बड़ी चल जाएंगे, उसका नाम जोड़ दिया पेपर में लिख दिया शिखा मित्र आ रहा बीजेपी में। ये सब भावताबाजी देखे कितना दिन चलेगा दादा, नहीं चल पाएगा, दीदी दीदी रहेगा, दीदी का अगल बगल कोई नहीं, हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चल पाएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई भाई भाई मिलकर रहता है। जय बांग्ला, एक ही बात बोल दिया, जय बांग्ला, सुन लीजिए, जय बांग्ला। चलिए ठीक है दादा, दादा आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोला है? दीदी दीदी में रहेंगे, दीदी दीदी में रहेंगे, दीदी से कुछ तो बस आइए बताइए, चोर नेता है, कल उसको अपने ही टीम में शामिल कर लेता है तो तुम कहाँ से अच्छा हुआ भाई? तुमको अगर क्लीन पॉलिटिक्स चाहिए तो फिर तुम लोग तो वही आदमी को ले रहे हो जिसको कल तुम चोर बोल रहे थे, तो फिर कहाँ से सही हुआ? अभी हम लोग जैसे हैं जो माहौल में रहते हैं एकदम सही है। हाँ। हम लोग को नया माहौल का जरूरत नहीं है, आपस में मारपीट करके कुछ होगा नहीं। हाँ। देश को आगे बढ़ाना है तो सबको मिल के आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा दादा कांग्रेस को कैसे देखते हैं आप? देखिए अपना जो माहौल चल रहा है दीदी का राज्य में जो चल रहा है ना यही ठीक है। हाँ। अपने लोग को दूसरा पार्टी नया पार्टी कोई चाहिए नहीं, अपना शांति से खा रहे पी रहे रह रहे हैं। हाँ महंगाई बहुत बड़ा है, वो दीदी भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हम लोग को चाहिए भाई अपने खा पी के आराम से रहे, काम में निकलना है, काम करना है, अपने को जीना है, पार्टी से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हाँ। लेकिन जो पार्टी है हम लोग को उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। दादा एक सेकंड आप बताइए, महंगाई इतनी है तो आप अपने खर्चे वर्चे कैसे चलाते, क्या करते हैं आप? वही जोगाड़ मुगाड़ में खर्चते हैं राजनीति। तो महंगाई तो इतनी ज़्यादा हो रही है तो इसको कैसे मैनेज करते हैं, कितना कमा लेते हैं दिन भर में? 300-350 रुपये। और उसी में मतलब क्या करते होंगे, कैसे खर्चा चलाते? मतलब कंट्रोल करके चलाने पड़ता है कुछ ही करके। कितने मेंबर हैं आपकी फैमिली में? हम लोग का कम से कम 6 आदमी है। कमाने वाला कौन है? कमाने वाला 2 लड़का है, हम लोग है। अच्छा, 3 लोग हैं। हाँ। और 6 लोग खाने वाले टोटल। हाँ। मिलके। हाँ। है ना। तो क्या आपको क्या लग रहा है महंगाई मतलब कि सरकार से कुछ करना चाहेंगे, ये महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, या आप मतलब इससे लेना देना नहीं है आपको? नहीं, हम लोग को गरीब आदमी है, खटने खाली हमको मिलना चाहिए, काम धाम मिलना चाहिए, अपना खटे खाए, यही बहुत है। महंगाई बढ़ती जाए उससे कोई फर्क नहीं, महंगाई है तो महंगाई हम लोग का हाथ में थोड़ी है, महंगाई तो जो है उसके मतलब आपके पास मजबूरी है कि ना, महंगाई बढ़ती जाए हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्या होगा? हम लोग को बोल के कुछ फायदा भी नहीं होगा, महंगाई तो महंगाई अपने जगह में बढ़ते रहा। हाँ, हम लोग से क्या होगा? अगर मैं ये कहूँ कि अगर मान लो आप मोदी जी से मतलब कि एक बार बात करने का मौका मिले तो मोदी जी सबसे पहली बात आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो यही कहेंगे जो महंगाई बहुत बढ़ते जा रहा है, हम लोग को इसे नहीं हो रहा है। हाँ। उसमें गुजारा नहीं हो रहा, बहुत तकलीफ हो रहा है, यही बात। चलिए।